अच्छा वक्त आने से पहले मनुष्य को मिलते हैं यह 6 संकेत। सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं, समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों को राजा से रंग तथा रंग से राजा बनते भी देखा होगा। पहला संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह के 4:24 बजे से सुबह 5:12 बजे के बीच का समय में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राय मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। यह संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए बिना कारण ही प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, बंदर आपके घर से खाने की चीजें खुद उठाकर ले जाए, या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं कि अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या वह आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे अकारण आने वाले संकट अचानक के टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपको बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा और माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। छठवां संकेत, पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना, आपको ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है। घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, घर में चांदी और सोने का आना या महिलाओं का बायां और पुरुषों का दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं।